Assalamu alaikum. Now today we are going to start the topic of edema, that is collection of fluid in the tissue spaces. And for that, what we need to know is that the edema is formed by effect of imbalance of the Starling's forces at the capillary membrane. So if the outward and inward forces for tissue fluid formation are changed in a way that increases the net filtration pressure, then there will be more tissue fluid formation. हाँ जी, क्या ख्याल है आपका? अगर net filtration pressure कम हो जाए तो क्या होगा? तो फिर tissue fluid formation कम हो जाएगी. आपको example दें जिससे आपको आप बता सकते हैं कि tissue fluid formation कब कम होगी. कोई idea है आपको? चले मैं आपको बताती हूँ. डायरिया और हेमरेज में क्या होता है, बॉडी में से पानी निकल जाता है, प्लाज्मा निकल जाता है. तो फिर क्या होता है कि जो हमारी कैपिलरी है उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं होता, कम हो जाता है, और उसकी वजह से टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन कम हो जाता है. इस चीज को आपने उस वक्त याद रखना है जब हम आपको हेमरेज पढ़ाएंगे. क्योंकि अभी हम हेमरेज नहीं पढ़ रहे, इसलिए अभी हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे. हाँ, फिलहाल इतना ही कि जब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ज्यादा हो जाए तो टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, एंड दिस मे रिजल्ट इन एडीमा. सो इन सिंपल वर्ड्स, what is edema? You see, this is a normal foot and it doesn't show you any swelling, and this is a swollen foot. And if you put pressure with your thumb on any bony prominence, the fluid will shift underneath in the tissue spaces and a pit will be formed. This is called edema, and this type of edema in which a pit can be formed is called pitting edema. So now we go here. Edema is swelling that is caused by fluid trapped in body tissues. It happens most often in the feet, ankles and legs, but can affect other parts of the body such as face, hands and abdomen. It can also involve the entire body. यहां तक आपको एडिमा की डेफिनेशन समझ आ गई है? ओके, सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एडिमा. अभी आपने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी, जैसा कि मैंने आपको वीनस रिटर्न भी ज्यादा नहीं पढ़ाया है. तो अभी जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सिंपल वर्ड्स में पढ़ेंगे, और फिर बाद में आप इसको जब अगली दफा जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे सर्कुलेशन की बिफोर द एग्जाम्स, तो फिर आप इसे दूसरे तरीके से पढ़ेंगे. सो डिक्रीज इन द वीनस रिटर्न विल कॉज एडिमा. हाउ? बिकॉज द वीनस रिटर्न इज नॉट अकरिंग, ब्लड इज कलेक्टेड इन द वेन्स, एंड एज द ब्लड इज कलेक्टेड इन द वेन्स द वीनस प्रेशर इंक्रीजेज, एंड व्हेन द वीनस प्रेशर इंक्रीजेज at the end where blood tissue fluid is reabsorbed. Pata hai na ki venous end par aapka pressure sirf 10 mm of mercury tha, to wo wahan par reabsorption hoti thi. To ab wahan par agar venous pressure zyada ho jayega to fir reabsorption nahi ho sakegi. So the reason is again increased capillary hydrostatic pressure, but here the basic cause is decreased venous return. कैसे कैसे हो सकता है? ये तीन सिचुएशंस हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी, बहुत देर से टांगे लटकाई हुई हैं तो ग्रेविटी जो है वो वाटर को पुल करती है डाउनवर्ड्स इनटू द लेग्स एंड इन द फीट. तो जब वो वहां उसे पुल कर रही है ग्रेविटी, टांगे लटकाई हुई हैं सिटिंग स्टैंडिंग पोस्चर में, तो फिर वीनस रिटर्न कम हो जाता है और पानी जो है वो वापिस नहीं जा सकता वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी में. इस वजह से वो टिश्यूज में आ जाता है और उसे एडिमा कॉज करता है. वीकनिंग इन द वेल्व्स ऑफ द वेन्स. दूसरा फैक्टर जो हमने वीनस रिटर्न में पढ़ा था, दैट वाज वेल्व्स इन द वेन्स.
वेल्व्स इन द वेन्स डू नॉट अलाउ बैक फ्लो, अगर ये वेल्व्स जो है वीकन हो जाए लेग्स के अंदर, दिस मेक्स इट हार्ड फॉर द वेन्स टू पुश ब्लड अपवर्ड्स टू द हार्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सुपरफिशियल वेन्स बिकम वेरिकोस. आपने जब डायग्राम देखी थी वीनस वेल्व्स की, तो उसमें आपने देखा था कि वेल्व्स जो हैं वो पार्ट ऑफ द ब्लड को जब आगे भेज देते हैं तो वो वापस नहीं जा सकता इनटू द सुपरफिशियल वेन्स फ्रॉम द डीप वेन्स. तो जब अब यहाँ पर आपके पास वेन्स के अंदर ब्लड वापस चला जाता है तो इनमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और जब इनमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड वीनस रिटर्न, तो फिर उसमें वो फोर्सेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से टिश्यू फ्लूइड जो बन रहा है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता और अडीमा हो जाता है. बीइंग प्रेग्नेंट कैन कॉज अडीमा इन द लेग्स एज द यूट्रस पुट्स प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स इन द लोअर ट्रंक ऑफ द बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वीनस रिटर्न इज डिफिकल्ट. ये सिंपल बात है, पिछली बातों के डिस्कशन में आपको समझ आ गई होगी. इफ द फ्लूइड हैज बीन रिटेन्ड इन द बॉडी ड्यू टू एनी रीजन, कौन कौन सी रीजन हो सकती हैं, 4, 5 and 6, टू मच सॉल्ट इन द डाइट दैट इंक्रीजेस द क्रिस्टलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, देन सर्टेन डिजीजेस सजेस्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो कि वीनस रिटर्न को इम्पीड कर रहा है, एंड किडनी डिजीजेज जो कि फ्लूइड को रिटेन कर रहा है, कैन कॉज फ्लूइड रिटेंशन एंड फाइनली एडिमा. सम ड्रग्स दैट आर टेकन फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल और फॉर कंट्रोल ऑफ पेन मे ऑल्सो कॉज फ्लूइड रिटेंशन एंड एडिमा. सो सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. एक तो वीनस रिटर्न कम होने से बढ़ा था, वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी पे रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही थी. दूसरी तरफ अगर बॉडी फ्लूइड्स बढ़ जाएं तो फिर भी कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आर्टीरियल एंड पर फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी. नाउ वी गो ऑन टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी. अगर कैपिलरी के पोर्स चौड़े हो जाएं तब भी ज़्यादा एडिमा होगा, और उसकी वजह क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस में जब हिस्टामिन रिलीज होती है, इन्फ्लेमेशन में जब इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं. आप इन्फ्लेमेशन ब्लड पड़ चुके हैं. बर्न्स में जब जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो डैमेज होती है और प्रोटीन्स निकल के प्लाज्मा से टिश्यू फ्लूइड में चली जाती हैं, और फिर प्रोटीन्स जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं वाटर इनटू द टिश्यू फ्लूइड, उस वक्त एडिमा होता है. ये जो बॉइल्स बन जाते हैं बर्न्स में, ये एक्चुअली कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई हुई होती है. क्लॉट्स में भी यही कुछ सिचुएशन होती है. ट्रॉमा में, इंजरी में भी चोट लग सकती है. विटामिन सी डेफिशिएंसी में कैपिलरी परमिएबिलिटी चेंज हो सकती है. ये तमाम जो कंडीशंस हैं दे कॉज्ड लोकलाइज्ड एडिमा. जिस एरिया में कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ी है उस एरिया में एडिमा हो जाएगा. चौथा पॉइंट है डिक्रीज्ड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज. बर्न्स का यहाँ पर भी ऊपर भी नाम आया है, बर्न्स का नीचे भी नाम आएगा. बर्न्स क्या करते हैं कि इसमें से कैपिलरी में से परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से प्रोटीन्स बाहर निकल के टिश्यू स्पेसिस में आ जाती हैं, तो सेल के जो प्लाज्मा है उसके अंदर तो फिर कम हो जाता है ना प्रोटीन्स, क्योंकि वो तो बाहर आ गई. तो नाउ डिक्रीज्ड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज एज अकर्स इन द लिवर डिजीज, जबकि प्रोटीन्स बनती ही नहीं है, एज अकर्स इन द बर्न, जबकि प्रोटीन्स ज़ाया हो जाती हैं, और प्योर न्यूट्रिशन, जबकि प्रोटीन्स बनाने के लिए आपके पास अमाइनो एसिड ही नहीं होते. सब सूरतों में कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज इज डिक्रीज्ड एंड दिस कॉजेज एडिमा. वी हैव सीन दैट एडिमा अकर्स बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द स्टारलिंग्स फोर्सेस टुवर्ड्स इंक्रीज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. लेकिन इतनी आसानी से नहीं हो जाता एडिमा. एडिमा के लिए अ लॉट ऑफ फ्लूइड इज टू बी प्रेजेंट विद इन द बॉडी इफ इट हैज टू प्रोड्यूस एडिमा. अदरवाइज फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी अप टू अ सर्टेन लिमिट डज नॉट प्रोड्यूस एडिमा. क्यों भाई, इसलिए कि थ्री मेजर फैक्टर्स आर कॉजिंग अनडूइंग ऑफ द माइल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड. एंड हाउ इज इट दैट डन, लो कंप्लायंस ऑफ इंटरस्टिशियम व्हेन द पीआईएफ इज नेगेटिव.
इंटरस्टिशियम टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, कोई भी फ्लूइड आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, नेगेटिव प्रेशर जो है इट सक्स द टिश्यूज, सबकुटेनियस टिश्यूज टूवर्ड्स द बोन्स एंड द मसल्स, सो दैट फ्लूइड कैन नॉट अकोमोडेट इट सेल्फ इन द टिश्यू स्पेसिस. दिस नेगेटिव फोर्स ऑफ -3 mm ऑफ मर्करी अवॉइड्स कलेक्शन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द टिश्यू स्पेसिस. प्लाज्मा में बेशक थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा हो जाए लेकिन टिश्यू स्पेसिस में नहीं आ सकेगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव फोर्स. द एबिलिटी ऑफ द लिम्फ फ्लो टू इंक्रीज, लिम्फ फ्लो के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो आप ज्यादा टिश्यू फ्लूइड बनाएं वो ज्यादा फ्लो कर जाएगा, आप और ज्यादा टिश्यू फ्लूइड बनाएं वो और ज्यादा आगे चला जाएगा, ये आपने देखा था पिछले लेक्चर में. सो एज एन ability of the lymph flow to increase is present 10 to 50 times. If you increase tissue fluid formation, the lymph flow will increase. So all this increase in the lymph flow produces a factor of 7 mm of mercury that must be surpassed to cause retention of fluid in the tissue spaces. Wash down of proteins from interstitial spaces. प्रोटीन्स जितनी भी आप फिल्टर करेंगे अगर टिश्यू फ्लूइड में तो उनका कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो जब कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर आपने प्रोटीन्स का जो था उसको लिम्फ फ्लो के साथ वॉश डाउन कर दिया, ये दिस इज द एबिलिटी ऑफ द लिम्फ फ्लो. नॉट ओनली इट टेक्स अवे वाटर, इट ऑल्सो टेक्स अवे प्रोटीन्स दैट हैव बीन फिल्टर्ड. सो द प्रोटीन्स दैट आर फिल्टर्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसिस अवॉइड कलेक्शन ऑफ फ्लूइड into the interstitial spaces and this factor is again of 7 mm of mercury. So in total 3 mm of mercury negative pressures has to be surpassed, 7 mm of mercury due to lymph flow has to be surpassed and 7 mm of mercury due to the effect of protein wash down with the lymph flow has to be surpassed. A total of 17 mm of mercury is the pressure which must be surpassed to produce edema in the body and this total pressure is called edema safety factor. So now we go on to scientific description of edema. इसे मैं बहुत मुख्तसर रखूंगी क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आना. जिस वक्त तक ये आपको समझ में आना है उस वक्त तक आप दोबारा इस लेक्चर पे आएंगे और इसको पढ़ेंगे एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एडिमा एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन टिश्यू स्पेसेस और इन द सेल्स इज कॉल्ड एडिमा. द वन दैट इज प्रेजेंट इन द सेल्स एक्सेसिव फ्लूइड दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर एडिमा एंड द वन दैट इज प्रेजेंट इन द टिश्यू स्पेसेस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा. If the whole body has got more tissue fluid, then it is generalized edema. ये होगा आपका kidney failure में और liver failure में. Kidney failure में इतना पानी kidney ने retain कर लिया है जिसकी वजह से सारी body में edema हो गया है, और liver failure में body में से proteins इतनी थोड़ी हो गई है colloidal osmotic pressure कि तमाम body में reabsorption of fluid after tissue fluid formation मुश्किल हो गई है. तो ये दोनों चीज़ें कॉज करती हैं generalized edema. लोकलाइज्ड एडिमा जैसा कि आपने पढ़ा था इन केस ऑफ इंफ्लेमेशन और इन केस ऑफ एलर्जी आपको लोकलाइज्ड एडिमा नजर आता है बर्न्स में भी. देन देयर इज थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एडिमा एंड दैट इज पिटिंग एडिमा इन विच अ पिट और गड़ा इज फॉर्म्ड इन द फुट और इन द प्लेस वेयर देयर इज एडिमा एंड दैट मीन्स द इंटरस्टिशियम हैज गॉट फ्री वाटर इन इट. Non-pitting edema, if the proteoglycans are increased in amount and because of that they adsorb more and more water into the interstitium, then of course there is, आपको मोटे मोटे हाथ पाँव नजर आते हैं उसकी वजह यह है कि वहाँ पर proteoglycans बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने पानी को एड्जॉर्ब कर लिया है, तो आपका जो सबकुटेनियस टिश्यू है वो ज़्यादा हो गई है as compared to a normal person. But if you try to put pressure on this, there will be no pit formation because free water is not here. This is called non-pitting edema. Intracellular edema, that means increased amount of water retention within the cells occurs if there is hyponatremia because sodium
if it is not present in the ECF, then it will not be able to retain water in the extracellular fluid, and the water will not come out of the intracellular membrane. Decreased blood flow to a tissue and lack of adequate nutrition. So lack of sodium, lack of blood flow, lack of oxygen, lack of nutrition, all of them are going to decrease the tissue metabolism. The sodium potassium pump will not be working, and excess intracellular sodium ion causes osmosis of water to the cells, causing edema. Inflammation of a tissue can also cause intracellular edema if it increases the cell membrane permeability. Extracellular edema, that is presence of free fluid in the tissue fluid, it could be due to increase in the capillary permeability, that is KF, or increase in the net filtration pressure by the mathematical sum of Starling's forces. If these two features are present, there could be either increased formation of the tissue fluid or decreased reabsorption of the tissue fluid, surpassing the edema safety factor and causing extracellular edema. So, ab hum scientifically study karne lage, increased capillary pressure kab hoga? इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर हो सकता है इफ द किडनी रिटेन सॉल्ट एंड वाटर, ये तो आपको याद रखना है. बट एट दिस टाइम यू हैव नॉट स्टडीड एक्यूट और क्रॉनिक किडनी फेलियर जो कि सेकेंड ईयर में आना है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस के भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ना है. सो यू आर नॉट एबलाइज टू आंसर इन दिस कैटेगरी. यू हैव टू आंसर दैट द किडनी कैन रिटेन सॉल्ट एंड वाटर टू एन एक्सटेंट दैट एडिमा सेफ्टी फैक्टर इज सरपास्ड. वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, हार्ट फेलियर में भी वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होती है. वीनस ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो टाइट आपने कोई बैंड्स वगैरह लगाए हुए हैं थाइस पर या किसी और वजह से, या प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, और फेलियर ऑफ वीनस पंप्स भी हो सकती है. वीनस पंप्स जो हमने आपको पढ़ाए हैं वो है पैरालिसिस ऑफ द मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स हों तो सक्शन पंप खराब होगा, अगर पॉपलीटियल मसल्स हों तो पुशिंग पंप है वो खराब हो जाएगा. इमोबिलाइजेशन, जो सर्जरी के बाद मरीज लेटे रहते हैं उनकी टांगों में भी वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और फेलियर ऑफ वीनस वेल्व्स, ये अगर बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जो लोग करते हैं उनके वेल्व्स पर इतना प्रेशर पड़ता है सारा वक्त कि फाइनली वो छोड़ देते हैं, या फिर उनका कोलेजन वीक हो, वाइटामिन सी डेफिशिएंसी हो, तो भी वीनस वेल्व्स जो हैं वो फेल हो सकते हैं और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और उससे कैपिलरी प्रेशर बढ़ सकता है. डिक्रीज्ड आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि एक्सेसिव बॉडी हीट में आर्टेरियोल्स जो हैं वो बेचारे रास्ता छोड़ देते हैं. इनसफिशेंसी ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में भी, और सर्टेन वेजोडायलेटर ड्रग्स कैन ऑल्सो कॉज इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर, एंड दिस इज कॉज ऑफ एडिमा. एक दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, दूसरी दफ़ा हम दोहरा रहे हैं. डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन्स कैसे हो सकती हैं? लॉस ऑफ प्रोटीन्स इन द यूरिन, ये एक किडनी की डिजीज़ है, आपको सिर्फ ये याद रखना है लॉस ऑफ प्रोटीन्स इन द यूरिन. दूसरा है लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डिन्यूडेड स्किन एरियाज, जैसा कि बर्न्स में और वूंड्स में प्रोटीन लॉस आपका बेसिक इसमें आइडिया है. फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, जैसा कि लिवर डिजीज में और जैसा कि कैलोरी और प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, जबकि प्लाज्मा प्रोटीन्स बनेंगी ही नहीं, कैन कॉज एडिमा. सो द इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, साइंटिफिकली यू आर नाउ गोइंग टू डिवाइड इट इनटू ए बी सी डी ई एंड एफ. इम्यून रिएक्शंस दैट कॉज रिलीज ऑफ हिस्टामिन, विल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इसको कहते हैं, सो दैट विल प्रोड्यूस एडिमा बिकॉज ऑफ कैपिलरी परमिएबिलिटी. टॉक्सिन्स कैन डायरेक्टली अफेक्ट द कैपिलरी परमिएबिलिटी. बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैन कॉज डिफेक्ट्स इन द कैपिलरी परमिएबिलिटी, उसको क्या कहते हैं, उसको एंडोटॉक्सिन, बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं वो कहते हैं, और उसके अलावा ये हिस्टामिन भी रिलीज करते हैं. वाइटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली ऑफ वाइटामिन सी, प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया because there is less blood flow, so the endothelial cells are damaged and there is capillary permeability, and in burns in which the endothelial cells are damaged and there is increased capillary permeability. And now we come to the final point of
कॉज ऑफ एडिमा, इससे पहले हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसमें हमने ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक रिटर्न नहीं पढ़ा। पाई आईएफ यानी कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, आपको पता है प्रोटीन वॉश डाउन से आप 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वापस ले जाते हैं, तो वहां पर पाई आईएफ जो है सिर्फ 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का होता है, बाकी सारा जो है वो वहां से निकल जाता है। लेकिन इन केस ऑफ कैंसर, इन केस ऑफ इंफेक्शन, दिस डायग्राम इज ऑफ अ फुट दैट हैज गॉट फिलेरिया। ये होते हैं वॉर्म्स, होते हैं कीड़े होते हैं जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर रिजाइड करते हैं। सो दे ब्लॉक द लिम्फेटिक वेसल्स एंड बिकॉज दे ब्लॉक द लिम्फेटिक वेसल्स द टिश्यू फ्लूइड कैन नॉट फ्लो इन टू द लिम्फेटिक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वॉश डाउन, प्रोटीन वॉश डाउन का फैक्टर था वो नहीं रहता, उसकी वजह से लिम्फ रिटर्न जो है वो ब्लॉक हो जाता है। सर्जरी और कैंसर पे हम फिर वही बात करेंगे कि बाज़ औक़ात आप सर्जरी में लिम्फ नोड्स भी रिमूव करते हैं और लिम्फेटिक्स भी रिमूव करते हैं टू अवॉइड एनी कैंसर सेल्स दैट वर प्रेजेंट प्रीवियसली इन दोज लिम्फ नोड्स, और ड्रेन कर रहे थे वो आप उनको हटा देते हैं। और कैंसर में डायरेक्टली भी जो लिम्फ नोड्स हैं जब वो इन्वॉल्व कर लेती हैं, कैंसर सेल्स इन्वॉल्व कर लेते हैं लिम्फ नोड्स को, तो फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो सकती। सो ये दोनों सूरतों में बात एक ही है कि लिम्फेटिक्स ब्लॉक्ड हैं, इन्फेक्शंस में भी लिम्फेटिक्स ब्लॉक्ड हैं, एंड देन कंजेनिटल एब्सेंस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ लिम्फेटिक्स, दैट इज ऑफ कोर्स अनदर एंटिटी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर ऑन एडिमा एंड दैट इज अ कम्प्लीट स्टोरी ऑफ इट। यू नीड नॉट गो इन टू द डिटेल्स इन फर्स्ट ईयर अपार्ट फ्रॉम दिस।